उत्तराखंड से हमारे एक दर्शक हैं जो हमसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने dalila.in के माध्यम से सवाल किया है कि उनके एक दोस्त की सगाई हुई है, 6 महीना पहले सगाई हुई थी, और सगाई 6 महीना होने के बाद से जब शादी के में 2 महीना रह गए थे तो कन्या पक्ष जो है सगाई को तोड़ना चाहते हैं, शादी को तोड़ना चाहते हैं, और वो ये कहते हैं कि चूँकि किन्हीं शर्तों की वजह से वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वो शादी नहीं करना चाहते। क्या हमारे पास कोई कानूनी विकल्प है, ऐसा पूछते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि सगाई किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट के तौर पे नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें कागज पे गवाह रख करके कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। लेकिन शादी करने के लिए सगाई की जाती है, वो एक तरीके से पहला स्टेज होता है जब हम शादी में एंटर होते हैं। उस वक्त वर पक्ष और कन्या पक्ष यह तय करते हैं कि शादी किस प्रकार से होगी, और फिर शादी की तारीख तय की जाती है। उसमें कई तरह के आर्थिक तरीके से खर्च भी होते हैं। यदि कन्या पक्ष किसी ऐसी वजह से शादी को तोड़ रहा है जो सही नहीं है, जैसे कि कोई गलत आरोप लगा करके या किसी ऐसी वजह से जिससे आपका मान हानि हो रहा हो, तो आप उनके खिलाफ डेफेमेशन या क्रिमिनल मामला लगा सकते हैं। या फिर अगर आपको इस शादी में किसी भी तरीके का पहले से कॉन्ट्रैक्ट जैसा या कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें यह तय हुआ हो और बेवजह सगाई को तोड़ा जा रहा हो, तो आप निश्चित रूप से न्यायालय में जा सकते हैं और जा करके उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपके रीजंस जो होने चाहिए वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज यह केस आपका तुरंत खारिज हो जाएगा। इस संदर्भ में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमारे लॉ एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। इस तरह के मामले बहुत कम आते हैं, नए हैं, आपका प्रश्न था तो हमने सोचा कि इसका जवाब दें। इसमें मूल रूप से जो कार्रवाई हो सकती है वो डेफेमेशन के लिए हो सकती है, क्योंकि इससे एक सामाजिक प्रतिष्ठा का भी नाश होता है, जिसके लिए आप कार्रवाई कर सकते हैं। धन्यवाद।